नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आपकी कुछ गलत आदतों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप अपने मोबाइल को नुकसान पहुँचाते हैं और या फिर उनसे आप अपने मोबाइल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ख़ास बात तो ये है कि आप में से किसी को भी ये बात पता नहीं है कि ऐसा करने से आप अपने फ़ोन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और आप में से 90% लोग ऐसा करते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को नुकसान पहुंचाते हैं और आप उसकी लाइफ को कम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से आपका मोबाइल जल्दी ख़राब होता है और सॉफ्टवेयर वाइज आपका फ़ोन प्रॉब्लम करने लगता है, हैंग होने लगता है और उसका प्रोसेसर ख़राब होने लगता है। तो जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे बच सकते हैं और अपने मोबाइल को लॉन्ग लाइफ कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो गलत चीज़ आप अपने मोबाइल के साथ करते हैं वो ये है कि बैकग्राउंड ऐप्स को इस तरह से मैन्युअली अपने हाथ से किल करते रहना। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इस तरह से बैकग्राउंड ऐप्स को अपने हाथों से मैन्युअली किल करते रहते हैं और उनको ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है और उनको लगता है कि ऐसा करने से उनके मोबाइल की रैम फ्री हो रही है और उनका मोबाइल फास्ट चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप एमएक्स प्लेयर को दिन भर में 10 बार यूज़ करते हैं, 10 बार ओपन करते हैं, तो जब उसे आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये देखिए वो शुरू से लेके 100% तक ओपन होगा, मतलब थोड़ा टाइम लेगा ओपन होने में। उसके बाद जब आप बैक आएंगे दोस्तों, ये आपकी बैकग्राउंड ऐप्स में ऐड हो चुका होगा। फिर जब आप इसे सेकंड टाइम ओपन करेंगे तो ये देखिए ये दोस्तों फटाक से ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इसको मैनुअली यहाँ से इस तरह से किल कर देते हैं और उसके बाद आप इसको यहाँ से ओपन करते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये फिर से शुरुआत से 0 से लेकर 100 तक ओपन होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपके प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा और उससे कि वो बैटरी भी ज़्यादा लेगा और प्रोसेसर पर भी लोड पड़ेगा, तो इससे आपकी बैटरी की एफिशिएंसी भी कम होती है और आपके प्रोसेसर पर भी जोर पड़ता है। दोस्तों, गूगल ने जो प्रोसेसर आपके फ़ोन के लिए बनाया है उसको अच्छे से पता है कि आपके फ़ोन के लिए क्या सही है क्या गलत है और उसको क्या कब करना है। दोस्तों, जब आप कोई ऐप को कुछ टाइम तक यूज़ नहीं करेंगे तो वो खुद ही अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से उस ऐप को बैकग्राउंड में से हटा देगा जिस भी टाइम के उसे हटाना होगा। अगर आप दोस्तों इस तरह से मैनुअली आप उनको किल करते हैं ऐप्स को, तो दोस्तों ये गलत है, इससे कि आपके फ़ोन पर भी जोर पड़ता है और आपके फ़ोन के प्रोसेसर पर बहुत जोर पड़ता है, जिससे कि आपकी बैटरी की भी प्रॉब्लम है और आपका फ़ोन सही नहीं चलता। एक मतलब कुछ ही समय बाद वो हैंग करने लगता है, वो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, प्रोसेसर आपका सही से वर्क नहीं करता है। तो ये दोस्तों आप बहुत गलत करते हैं। दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि आप मैनुअली अपनी ऐप्स को किल ना किया करें, बैकग्राउंड ऐप्स को उनको चलते रहने दिया करें। एक टाइम बाद आप देखेंगे तो आपका फ़ोन खुद ही उनको किल कर देगा। दोस्तों, इस तरह से गूगल को अच्छे से बताएं कि आपके फ़ोन के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे आप अपने फ़ोन को उल्टा नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, इससे आपकी कोई रैम फ्री नहीं हो रही है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ है जो आप अपने फ़ोन के साथ गलत करते हैं वो है दोस्तों चार्जिंग करने का तरीका। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मोबाइल को पूरा 20% तक डाउन करने के बाद, उससे भी नीचे बैटरी की परसेंटेज को डाउन करने के बाद पूरे 100% तक ही चार्ज करना चाहिए, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जब अपने फ़ोन को चार्ज करना है, मान लीजिए 50% पर है, 60% पर है, आपको तभी अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देना चाहिए। और हर बार ऐसा नहीं करना चाहिए कि 100% तक ही चार्ज होने के बाद ही आपको अपने फ़ोन को अनप्लग करना चाहिए चार्जिंग से, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको अपने फ़ोन को 20% के नीचे नहीं ले जाना है कभी भी, और बिल्कुल 100% तक चार्ज नहीं करना है। आपको अपने फ़ोन को बीच में ही रखना है, मतलब 70%, 60%, 40% जितना भी आप यूज़ कर लेते हैं उसके बाद आपको अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा देना है और कभी भी 100% तक चार्ज नहीं करना है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, आपको अपने फ़ोन को 1 महीने के अंदर 20% से नीचे एक बार जरूर ले जाना है, और 20% से नीचे ले जाने के बाद आपको फुल 100% तक चार्ज जरूर करना है। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रिक ओनली 1 महीने के लिए है, मतलब आपको 1 महीने में एक बार ऐसा जरूर करना है। इससे आपकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है, आपके फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी होती है और बैटरी की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आपको सिर्फ 1 महीने में ऐसा करना है, 30 दिन के अंदर एक बार सिर्फ ऐसा करना है कि आपको 20% से नीचे बैटरी की परसेंटेज ले जानी है और उसके बाद उसको 100% तक चार्ज करना है। और आपको चार्जिंग करते टाइम ये ध्यान देना है कि दोस्तों, जहाँ पर भी आप चार्ज कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा ना हो, मतलब हीटेड ना हो ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर ज़्यादा ना हो, और या फिर बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर ना हो, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर ना हो। आपको अपने फ़ोन को नॉर्मल टेम्परेचर पर चार्जिंग पर लगाना चाहिए, इससे सही रहता है, आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मतलब हीटेड की जो प्रॉब्लम होती है हीटिंग की, आजकल हीटिंग की प्रॉब्लम तो फ़ोन में नॉर्मल है, तो चार्जिंग के टाइम आपने देखा होगा कई बार आपका फ़ोन हीट होने लगता है दोस्तों, वो टेम्परेचर की वजह से होता है। तो आपको अपने फ़ोन को नॉर्मल टेम्परेचर पर लगाना चाहिए चार्जिंग पर, और आपको कहीं भी मतलब आपको अपनी सॉलिड सरफेस पर, मतलब आपको ठोस जगह पर ही अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगा के रखना चाहिए। आपको कभी भी अपने फ़ोन को बिस्तर पर या फिर गद्दे पर या फिर सोफे पर चार्जिंग पर लगा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो गद्दे होते हैं वो दोस्तों हीट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं और इससे कि आपके फ़ोन की हीट नहीं निकल पाती है, तो आपका फ़ोन चार्जिंग के टाइम हीटेड होने लगता है, जो कि बहुत खराब चीज़ है आपके फ़ोन के लिए। आपका फ़ोन कभी हीटेड नहीं होना चाहिए।
और आप जो कवर और केस को इस्तेमाल करते हैं, जब कभी आपका फ़ोन हीटेड हो तो आप अपने फ़ोन पे से कवर हल्की हाल हटाइए, जिससे कि आपकी फ़ोन की हीट बाहर आएगी तो आपका फ़ोन थोड़ी देर में कूल डाउन हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बचा सकते हैं। और दोस्तों कभी भी चार्जिंग के टाइम आप फ्रीज वगैरह पर फ़ोन को चार्जिंग पर मत लगाइए, क्योंकि फ्रीज वगैरह में से भी हीट निकलती है तो आपके फ़ोन की हीट नहीं निकल पाती है और आपका फ़ोन हीटेड होने लगता है। फ्रेंड्स, तीसरी जो गलत चीज़ आप अपने फ़ोन के साथ करते हैं वो ये है कि तरह तरह के क्लीनर्स को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके, सीएम सिक्योरिटी, क्लीन मास्टर वगैरह तरह तरह की क्लीनर ऐप्स को आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करके यूज़ करते हैं। ये दोस्तों ये बिल्कुल गलत है आपके फ़ोन के लिए, और आप उनको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में यूज़ करते रहते हैं, अपनी मेमोरी को क्लीन करते रहते हैं, और इससे कि आपको लगता है कि आपकी मेमोरी फ्री हो रही है, जो कि आपका इंटरनल स्टोरेज फुल हो रहा है, और इससे कि आपकी मेमोरी फ्री हो रही है। यहाँ पर ये 215 लेके आ गया तो आपको लगा हाँ हाँ चलिए 215 MB अपने कार्ड से फ्री हो चुका है, और आप बार बार वायरस स्कैन करते रहते हैं और ये डिटेक्ट करते रहेगा 4%, 21%, इस तरह से ये आपके फ़ोन में। पर दोस्तों इससे आपको लगता होगा कि इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, पर दोस्तों इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, इससे उल्टा आपके फ़ोन को नुकसान होता है। जी हाँ दोस्तों, आप इनका प्रयोग उपयोग बिल्कुल ना करें। जी हाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ, अगर आप इसको ऑप्टिमाइज इस तरह से आप इसका प्रयोग करते हैं और यहाँ पर आप इससे क्लीन करते हैं, तो मान लीजिए जो आपके सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके कार्ड में अपने आप जो फोल्डर बन जाते हैं, वो दोस्तों आपके सिस्टम के लिए ही इंपॉर्टेंट है, वो दोस्तों ज़रूरी है, दोस्तों वो इनको बार बार डिलीट कर देता है और इनको फिर वो उनको बार बार बनाना पड़ता है सिस्टम को, तो इस तरह से आपके फ़ोन को नुकसान होता है। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको ऑप्टिमाइज करने से एक और क्या घाटा है। दोस्तों जब भी आप इससे बार बार इसको मतलब ऑप्टिमाइज़ करते हैं, बार बार ये इन क्लीन मास्टर वगैरह को यूज़ करते हैं, तो आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके ऐप्स की, दोस्तों ये देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, फोर्स स्टॉप हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप्स हैं उनका दोस्तों यहाँ पर फोर्स स्टॉप हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर सब ऐप्स का, आपका जो भी ऐप्स आपने डाउनलोड किए हैं उनका दोस्तों यहाँ पर फोर्स स्टॉप हो चुका होगा। देखिए ये देखिए, मैं आपको डाउनलोडेड ऐप्स में दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये क्रोम है, ये देखिए यहाँ पर ये फेसबुक पर क्लिक करते हैं दोस्तों, ये आपकी ऐप्स का बार बार फोर्स स्टॉप कर देता है और अपनी आपकी ऐप्स को यहाँ से बंद कर देता है। दोस्तों जब आपकी ऐप्स का फोर्स स्टॉप हो चुका होगा ऑटोमेटिकली, तब आप उसे फिर से ओपन करेंगे तो आपके प्रोसेसर पर लोड पड़ेगा, जो कि बहुत गलत है और आपके फ़ोन को प्रॉब्लम करता है, आपके फ़ोन के काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जी हाँ दोस्तों, आप इनका उपयोग बिल्कुल ना करें, ये बिल्कुल बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है आपके फ़ोन के लिए, ये हर तरह से आपके फ़ोन को नुकसान ही पहुँचाते हैं। आप कोशिश करें इनको अवॉइड करने की, इनका यूज़ ना करने की। फ्रेंड्स, चौथी जो चीज़ आप अपने फ़ोन के साथ गलत करते हैं वो ये है कि परमिशंस पर ध्यान ना देना। जी हाँ दोस्तों, जो भी आप न्यू ऐप प्ले स्टोर से आप ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, वो कुछ परमिशंस मांगती हैं, आप उनको फटाफट से परमिशन दे देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं कि वो उनने क्या परमिशन मांगा क्या नहीं मांगा, और आप उनको फटाफट से परमिशन दे के ऐप्स को ओपन कर लेते हैं। पर दोस्तों आप ये बिल्कुल गलत करते हैं आप अपने फ़ोन के साथ। आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी परमिशंस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं जो कि कम MB की है, कम रेटिंग है उसकी। दोस्तों कम रेटिंग वाली एप्लीकेशंस को आप सावधानी से इंस्टॉल कीजिए, और हो सके तो उनको इंस्टॉल ना ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों वो आपके फ़ोन के लिए हार्मफुल रहती हैं और वो आपके फ़ोन में उल्टी सीधी परमिशंस मांगती हैं। दोस्तों इस तरह से मान लीजिए, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो फ्लैशलाइट की एप्लीकेशन है, तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसकी परमिशंस डिटेल्स में चेक करता हूँ, तो ये देखिए इसको यहाँ पर कैमरा की परमिशन चाहिए, लोकेशन की परमिशन चाहिए, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये टेलीफोन की परमिशन भी मांग रहा है कि आपका फ़ोन स्टेटस और आइडेंटिटी की भी इसे परमिशन चाहिए, ये इसको रीड कर सकता है। दोस्तों आप में से कई लोग इसे डाउनलोड करने के बाद डायरेक्ट इसको ओपन करके और फटाफट से इसको सारी परमिशन दे देते हैं, पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इसको परमिशन देते हैं तो दोस्तों उसी तरह से है जैसे कि मान लीजिए आपने घर पर कोई सर्वेंट रखा है और आपने उसको ओनली इतनी परमिशन दी है कि वो बाहर तक ही रह सकता है, घर के अंदर नहीं आ सकता है, तो मान लीजिए आपने उसको परमिशन दे दी है कि वो घर के अंदर भी आ सके, आपका कोई भी रूप में जा सके और वो कुछ भी कर सके। दोस्तों इसी तरह से आप कोई भी ऐप को ये गलत परमिशन दे देते हैं, इस तरह से आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपकी पर्सनल डिटेल्स को भी रीड कर लेता है और वो अपने जितने भी ये बनाई है उस तक ये पहुँचते जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक और फ्लैशलाइट की ऐप है, तो चलिए मैं इसकी परमिशंस आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जब मैं इसकी परमिशंस को रीड करता हूँ तो ये देखिए ये ओनली कैमरा की परमिशंस मांग रहा है और यहाँ पर ये कोई आइडेंटिटी वगैरह की परमिशन नहीं मांग रहा है। कैमरा की परमिशन इसलिए क्योंकि कैमरे के पास में एक कैमरे से ही फ्लैश कनेक्ट होता है, तो इसलिए उसको एक दो परमिशन चाहिए। पर दोस्तों इसमें टेलीफोन स्टेटस और इसमें यहाँ पर आइडेंटिटी परमिशन की कोई ज़रूरत भी नहीं है, पर तब भी ये देखिए ये वाली फ्लैश लाइट यहाँ पर ये परमिशन मांग रही है। दोस्तों जब भी आप कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो आप उसकी परमिशन को जरूर देखें कि वो परमिशन उस ऐप से रिलेटेड है भी या फिर वो बिना बात के ही उस चीज़ के लिए परमिशन मांग रहा है और आपके फ़ोन को अंदर ही अंदर एक्सेस कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, जब आप इनको परमिशन दे देते हैं तो आपका फ़ोन बंद भी रहता है तो भी ये आपके फ़ोन को एक्सेस करते रहते हैं, मतलब कि आपकी फ़ोन बुक, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल चीज़ें जो इस ऐप के द्वारा एक्सेस की जाती हैं, रीड की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है, तो आपको परमिशंस पर भी ध्यान देना चाहिए। किसी भी ऐप को आपको फटाफट ओपन करने के लिए फटाफट से परमिशन नहीं देनी चाहिए।
दोस्तों यही वो चार चीज़ें थी जो कि आप अपने फ़ोन के साथ गलत करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आप इससे अपने फ़ोन को अब आगे से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लेकर किसी सवाल सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में इस तरह के सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोस के लिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी एंड्रॉइड ट्रिक्स की वीडियोस लाते रहते हैं। और आप साइड में इस नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।